अब तक की सबसे बड़ी शातिर चोरी, 10 फीट गड्ढा खोदकर बैंक से चोरों ने उड़ा लिए करोड़ों। रात ढलते ही चोरों ने खोद दिया 10 फीट का सुरंग। सुरंग से आए चोर बैंक के अंदर से चुराए लाखों का सोना और हुए चंपत। अब तक की सबसे बड़ी चोरी, क्योंकि इस चोरी के तरीके को देख फिल्म बनाने वाले भी हैरान हो गए। जैसा अब तक की फिल्मों में होता आया वो असल जिंदगी में हो गया। किसी फिल्मी कहानी की तरह यहां चोरों ने 10 फीट की सुरंग खोदी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा नुकसान दे दिया। जहां चोरों ने 1.5 किलो से ज्यादा सोना चुरा लिया, गनीमत रही चोर कैश से भरा बॉक्स खोल नहीं पाए जिस बॉक्स में 32 लाख रुपए रखे हुए थे। इस तरह से की गई चोरी को देखकर देश भर में लोग हैरान हैं। अब तक चोरी के कई तरीके सामने आते रहे हैं। बिहार का भी कुछ यही हाल है। अक्सर चोरी के मामले यहां सामने आते रहते हैं। चोर लोहे के पुल से लेकर ट्रेन के इंजन तक चुरा ले जाते हैं। कोई पार्ट्स खोलकर बेच देता है तो कोई सुरंग बनाकर लाखों की संपत्ति उड़ा ले जाता है। ऐसी चोरी जिसे देख दुनिया भर के लोग हैरान हो जाएं। कुछ ऐसी ही चोरी अब कानपुर में हो गई है, जहां चोरों ने बैंक से 1.5 किलो से ज्यादा सोना चुरा लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर के भारतीय स्टेट बैंक की भोती ब्रांच के आसपास खाली जमीन है। इसी खाली जमीन से 4 फीट चौड़ी और 10 फीट लंबी सुरंग खोदी गई। सुरंग से चोर बैंक के भीतर दाखिल हुए और बैंक में रखा करोड़ों का सोना चुरा लिया। और 9:00-11:00 हो गए। चोरी किया गया सोना वो सोना था जिसे लोगों ने गिरवी रख लोन लिए थे। चोर बैंक में रखे सोने के बॉक्स को खोलने में कामयाब हो गए, जिसमें 1.8 किलो से ज्यादा सोना था। इसके पास ही रुपयों से भरा बॉक्स भी पड़ा था जिसे चोर खोल नहीं पाए। जानकारी के मुताबिक बॉक्स में 32 लाख रुपए रखे हुए थे। चोरी होने की खबर बैंक के अधिकारियों को दूसरे दिन लगी। चोरी हुए सोने का अनुमान लगाने में बैंक अधिकारियों को घंटों लग गए। घंटों अनुमान लगाने के बाद अधिकारियों ने कहा सोने का वजन 1.8 किलोग्राम से ज्यादा था और इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए थी। बैंक मैनेजर ने पुलिस को बताया बैंक में रखा ये वो सोना था जो 29 लोगों का था, जिन्होंने इसके एवज में कर्ज लिया था। चोरी के बाद अधिकारियों ने कहा यह जरूर किसी बैंक कर्मचारी का काम हो सकता है। चोरों ने पहले बैंक का मुआयना किया होगा ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि बैंक में कहां क्या रखा गया है। ऐसा करने में बैंक से किसी ने सहयोग किया होगा। इधर पुलिस ने जांच टीम गठित कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। नेशनल डेस्क, न्यूज लाइफ, बिहार।